राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च कर सकती है कांग्रेस। ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी ने राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई नीति बैठक पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की सुप्रीम लीडर हैं और वे तब तक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करती रहेंगी जब तक पार्टी चाहेगी। इसी के साथ एके एंटोनी ने राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी दोबारा मजबूती के साथ वापसी करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में केवल एक उप मुख्यमंत्री होगा। वहीं रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी सिरसा से विधायक चुने गए गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधायक दल की बैठक के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। दीपावली पर दोपहर 2 बजे मनोहर लाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की पूरी संभावना है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होने वाली जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला की सुरक्षा शनिवार से बढ़ा दी गई है। हिसार और सिरसा में स्थित उनके आवासों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार से केंद्र से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है जिसमें देश की सभी मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मांगी गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े व एस ए नजीर की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई की अगली तारीख 5 नवंबर मुकर्रर कर दी गई। कांग्रेस ने अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भारत रत्न देने की मांग की है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पेचीदा बने सियासी समीकरणों के बीच शनिवार को शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी आदित्य ठाकरे के घर के बाहर भावी मुख्यमंत्री आदित्य को बताते हुए पोस्टर लगे नजर आए थे। सागर में दिवाली से पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आपसी रंजिश के चलते 5 लोगों ने मिलकर एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया है। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाहा में नर्मदा नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए एक सोयाबीन से भरा ट्रक नर्मदा नदी में जा गिरा। ट्रक में सवार चालक और परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। विस्तारा एयरलाइंस द्वारा शनिवार से दिल्ली और इंदौर के बीच नई सेवा शुरू की गई है। सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट 8 बजे इंदौर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर वाटर सल्यूट देकर फ्लाइट का स्वागत किया गया। बाजारों में दिख रही है दीपावली की रौनक। तरह तरह के दीयों के साथ ही रंग बिरंगे फूलों से सजे हैं बाजार। खबरों की कतार लगातार एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।